فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ اور اگر احدن کوئی ایک من المشرکین مشرکین میں سے استجارک پناہ مانگے آپ سے فَأَجِرْهُ تو پناہ دیجئے اسے حتی یہاں تک کہ یسمع وہ سن لے کلام کلام اللہ اللہ کا ثم پھر ابلغہ پہنچا دیجئے اسے ابلغ پہنچا دیجئے ہو اسے مأمنہو اس کے امن کی جگہ ذالک یہ بھی انہم بوجہ اس کے کہ وہ قوم لوگ ہیں لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے کیف کس طرح یکون ہو سکتا ہے للمشرکین مشرکین کے لیے عہد کوئی عہد اسم نکرہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک الا سوائے الذین ان کے جن سے عہد تم معاہدہ کیا تم نے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس فما استقاموا تو جب تک وہ سیدھے رہیں لکم تمہارے لیے فاستقیموا تو پس تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو لہم ان کے لیے ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقی لوگوں کو کیف کیسے ممکن ہے وَإِن جبکہ اگر یظہرو وہ غلبہ پا جائیں علیکم تم پر لا یرقبونا وہ لحاظ کریں گے فیکم تمہارے معاملے میں اِلَّن کسی قرابت کا ولا ذمتن اور کسی معاہدے کا یرزونا وہ راضی کرتے ہیں کم تمہیں بھی افواہیم اپنے منہوں سے وَتَعْبَا اور وہ انکار کرتے ہیں قلوبہم دل ان کے وَاکْثَرُهُمْ اور اکثر ان کے فاسقون فاسق ہیں اشترو انہوں نے بیش ڈالا بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کو سامانن قیمت میں قلیلن تھوڑی سی فَسَدُّو پھر انہوں نے روکھا عَنْ سَبِيلِهِ اللہ کے راستے سے اِنَّهُمْ بے شک وہ سَاءَ کتنا برا ہے ماں جو کانو ہیں وہ یعملون عمل کر رہے لا یرقبونا نہیں وہ لحاظ کرتے فی مؤمنین کسی مومن کے بارے میں الا کسی قرابت کا ولا ذمتن اور کسی معاہدے کا واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم وہ المعتدون جو حد سے بڑھنے والے ہیں فان پھر اگر تابو و توبہ کر لیں واقاموا اور وہ قائم کریں الصلاۃ نماز واتبو اور وہ ادا کریں الزکات زکات فإخوانکم تو بھائی ہیں تمہارے فی الدین دین میں ونفصلو اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات یہ آیات کو لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ اب یہ ہے کہ
पिछली आयत के अंदर ये फरमाया था कि 4 माह की मुद्दत के बाद इनका काम तमाम कर दिया जाएगा, इनका खात्मा हो जाएगा, इनको निकाल दिया जाएगा, इनको जिलावतन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर अमन की मुद्दत के बाद कोई भी मुशरिक जिससे तुम्हारा कोई मुआहदा नहीं है, जिससे तुम्हारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तुम्हारे पास आता है और तुमसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने हाँ पना दे दो, यानी उनका अपना कोई इख्तियार नहीं होता, जैसे किसी के घर गेस्ट जाते हैं पना लेने के लिए, ऐसे ही वो क्या करते हैं, पनाह के लिए मुसलमानों के पास आते हैं, कहते हैं कि हमें पनाह दे दो। तो मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो उनको पनाह दें ताकि वो अल्लाह का कलाम सुने, और अगर उनको इस्लाम की समझ आए या उसके शुबहात दूर हों तो फिर तो बहुत अफजल है कि उनको पनाह देनी चाहिए। और अगर वो इस्लाम लाने के लिए आमादा नहीं होते, कुरान को सुनते हैं, कलाम को सुनते हैं लेकिन आमादा नहीं होते और अपने ठिकाने पर वापस जाना चाहते हैं, तो फिर अमन के साथ उनको उनके ठिकाने पर पहुंचा दो, क्योंकि इन लोगों को इस्लाम की हकीकत का नहीं पता, तो पॉसिबल है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनकर उनका मुआशरा अहलाक और किरदार देखकर मुसलमान हो जाए। कि जब वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाएं, यानी अगर वो ईमान नहीं लाते और अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, फिर जाके वो मुशरिकीन में शामिल हो जाते हैं, तो उन्हें दूसरे मुशरिकीन की तरह मारना और कत्ल करना जायज़ है। जब तक वो तुम्हारी पनाह में रहते हैं तुम उनको हाथ नहीं लगा सकते, तुम उनके साथ जुल्म नहीं कर सकते, उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं हो सकती और जायज़ नहीं। ये हुक्म सिर्फ उस वक़्त के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है कि जब भी कोई मुसलमान के पास काफिर पनाह लेने आता है तो मुसलमान काफिर को पनाह दे सकता है। पनाह देने के बाद उसका पूरा ख्याल रखना मुसलमान पर क्या है, फ़र्ज़ है। नीयत क्या होनी चाहिए कि हो सकता है ये हमारे साथ रहकर हमारे अतवार देखें, हमारा रहन सहन देखें, इस्लाम की बातें सुने, दीन की बातें सुने, तो शायद इसका दिल माइल हो जाए और ये इस्लाम कबूल कर लें। नीयत और लालच ये होना चाहिए। और जब तक वो आपकी पनाह में रहे आपने उसकी पूरी हिफाजत कर लिया, और आपके साथ रहने वाले दूसरे मुसलमान भी, उसकी ये नहीं है कि आपने पनाह दी तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते, दूसरा उसको कत्ल कर दे, पूरी कौम वाले मिलकर उसको पना देंगे, जैसा कि फतह मक्का के मौका पर उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा ने एक मुशरिक को पना दी थी, वो अल्लाह के नबी के पास हाजिर हुई और ये वाकया बयान किया, तो आपने कहा हमने उसे पना दी जिसे तुमने पना दी और हमने उसे अमान दी जिसे तुमने अमान दी। सही बुखारी की हदीस है। तो इसे क्या पता चलता है कि पूरे का पूरा जो लोग प्रोटेक्शन मांगते हैं उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, और अगर दुश्मन आपके साथ रहना चाहता है उसको ये मौका फ्राहम करना चाहिए, ताकि अगर वो इस्लाम को स्टडी करे, इस्लाम को देखे तो उसकी तरफ माइल हो जाए। तो अब देखिए, ऐसा दीन जो 4 माह की मुद्दत के बाद भी कंसेशन और थोड़ी सी रायत रखता है, क्या ये दीन जासूसी और दहशतगर्दी वाला दीन हो सकता है, जो बार बार मौके फ्राहम कर रहा है कि ये इस तरह से ईमान लें, ये काम हो सकता है तो ईमान लें, हर तरह से मौके दिए जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वो जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनके बारे में हमें डाउट हो कि वो पनाह की गर्ज से हैं, कुरान को सुनने के लिए नहीं आ रहे बल्कि जासूसी के लिए आ रहे हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, उन पर शक करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, उनको फिर भी आने दें, उनको कलाम सुनने दें, उनको कुरान के करीब तो आने दें, हो सकता है कुरान के पानी से, कुरान की तस्वीर से उनके दिल बदल जाए। अब हमारे माशरे में ऐसा होता है ना, अगर कोई अदारा हो हमारा तो कोई मशकूक बंदा हमें लगे तो उसको अपने अदारे तक कदम भी नहीं रखने देते, तो क्या करेगा वो, आके कलाम सुनेगा, किताब की बातें सुनेगा, हो सकता है उसकी नीयत गलत हो, आके उसकी नीयत ठीक हो जाए। दीन हमें भाईचारे का हुक्म देता है, ये इस्लाम की वसत कल्बी है, उसका वसी जो ज़र्फ है, वसी दिल है इस्लाम वालों का, तो वो दुश्मन को
کو کے ساتھ بھی رحم اور مہربانی کرنے کا حکم دیتا ہے. حتی یسمع کلام اللہ سے بات پتہ چلتی ہے کہ مشرکین کو پناہ دینے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے, دعوت دین, قرآن سنانا, اسلام کا تعارف کروانا. پھر اگر مسلمان ہو جائے, نہ ہو تو جلدی رخصت کر دیں, اگر ہو جائیں تو انہیں پھر ویلکم کریں, اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو ان کو مسلسل اپنے گھر نہیں رکھ سکتے کہ وہ جسوسی کرنا شروع کر دیں. آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ ایمان نہیں لا رہے, تو آپ مسلسل اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر ہی رکھ لیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اجازت یہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہونے لگے, تو اگر نہیں ہو رہے تو ان کو ان کی جگہ تک پہنچا دینا چاہیے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ظاہر پر معاملات کرنے چاہیے. کسی انسان کے دل میں جو بات ہے, کسی انسان کے دل میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں, انہیں کریدنا نہیں چاہیے. جو بھی معاملہ ان کے ساتھ رکھیں, ججمنٹل نہ بنیں, تھوڑا ہمیں اعتماد بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. وہ دھوکہ دے بھی دیں تو آپ کا یقین اللہ پہ ہو. اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو دین سے بہت دور ہوتے ہیں, تو بہت سے لوگ جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے, اور جن کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے ان کو بھی اچھا نہیں سمجھتے. اس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ کوئی فرینڈ شپ ہی نہیں کرتا. جب فرینڈ شپ ان کی برے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ پھر برائی کی طرف ہی آمادہ ہوتے ہیں. جب نیک لوگوں کی تاثیر نہیں پہنچتی, نیک لوگوں کی فرینڈ شپ نہیں ملتی, تو پھر نیکیاں کرنے کا شوق بھی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے ایسے لوگ جو نیک نہیں ہیں, گنہگار ہیں, ان کو اپنے قریب آنے دینا چاہیے. نیت کیا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ رہ کر قرآن کو سنیں, قرآن کو سیکھیں, قرآن کے بارے میں جانیں اور اللہ کی جانب بڑھیں, اسلام کی جانب بڑھیں, اسلام ان کے دلوں میں آنے لگے. نیت یہ ہو. اس نیت کے ساتھ اگر ہم کسی کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں تو برا نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے بہتری ہے. اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ. اب مزید آگے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو عہد کو پورا نہیں کرتے. تو اب ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت بتا دی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مشرک ہیں, اور مشرکوں کا اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس عہد کی کوئی ویلیو نہیں رہی. مشرکین نے اپنی ویلیو ختم کر دی ہے. تو اس آیت کے اندر اس چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ مشرکین بار بار اپنے عہد کو توڑ توڑ کر انہوں نے اپنے عہد کی ویلیو کو ختم کر لیا. تو یہاں پہ برات کی جو اعلان برات کی نا, اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عہد پہ پورا نہیں ہوتے تھے, انہوں نے معاہدوں کو توڑا ہے, تو اب ان سے آئندہ معاہدے نہیں کیے جا سکتے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے معاہدوں کو پورا کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ عہد انہوں نے پورا کیا, اور ان کے بارے میں کہا گیا فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ, بس جو لوگ سیدھے رہے تمہارے ساتھ تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. اندر مسجد الحرام سے مراد صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حرم میں ایک معاہدہ ہوا تھا وہ ہے. ان سے کسی قسم کی امید نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کی وعدہ پورا کرنے کا یقین اعتماد نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے جائز نہیں ہے کہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے. اب ان کا معاہدہ ختم, آئندہ کے بعد ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا. ہاں, جو لوگ تمہارے ساتھ سیدھے چل رہے ہیں ان کے ساتھ تم سیدھے چلو, کیونکہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اور کل بھی ہم نے سیکھا کہ عہد کا پورا کرنا متقی انسان کی صفات ہے. تو آج بھی اس سائے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین, کہ بے شک عہد کا پورا کرنا بھی متقی ہونے کی ضروری شرط ہے. ایک بندہ بڑا نیک اور پرہیزگار ہے لیکن وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا, تو وہ خود کو متقی انسان نہیں کہہ سکتا. کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم, کیسے ممکن ہے کہ جب وہ غلبہ پا جائیں تم پر
तो वो ना लिहाज रखें तुम्हारे मामले में किसी कराबत का, वो लाजिम मतन और ना किसी मुआहदे का, यानी इनके मुआहदे का कोई एतबार नहीं। ये लोग जुबान से दोस्ती और वफादारी की मीठी मीठी बातें करते हैं, दिल में यह है कि अगर कभी इनको मौका मिल जाए तो मुआहदे को पसे पुश डालकर इन मुसलमानों को कच्चा चबा दें, इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं। तो मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए दो तरह से हमारे मामलात होते हैं, एक होते हैं हमारे मुआशरे के साथ और एक होते हैं हमारे रिश्तेदारों के साथ। तो रिश्तों और मुआहदों पर हमारे मामलात चल रहे होते हैं। तो जैसे मुआहदों से मुराद जैसे हम कोई जॉब करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फिर इसी तरह किसी के साथ वादा करते हैं कि हम ये काम इस टाइम पे करेंगे, या किसी से वादा करते हैं हम आपके पैसे इस डेट पे दे देंगे, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को जो लोग पूरा नहीं करते, ना अच्छे तलुकात रखते हैं, ना एहसान करते हैं, ना उसके सलूक करते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, ना ही मुआहदों को पूरा करते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो इन लोगों की तरह ही सिफात को अपना रहे होते हैं। तो कैसे मुमकिन है कि वो अगर गलबा उनको आ जाए तो वो फिर लिहाज रखना शुरू कर दें? अभी नहीं रख रहे तो बाद में कैसे रखेंगे? ना किसी मौदे का लिहाज रखेंगे, ना किसी कराबत का। यूरजू नको, वो राज़ी करते अपनी बातों से, अपनी मीठी मीठी लगी लपटी बातों से वो तुम्हें मुतमिन कर लेते हैं, और लेकिन दिल से इनकार कर रहे होते हैं। और आज तो ये ऐसा लबादा हर मुसलमान ओढ़ के घूम रहा है कि जुबान से बड़ी लगी लपटी बातें, मीठी मीठी बातें कही जा रही हैं और दिल में अल्लाह की मोहब्बत की एक बूंद भी नहीं है। तो जुबान से ऐसी बातें जिससे ये जाहिर हो कि आप अल्लाह से बड़ा प्यार करते हैं और दिल में कुछ भी ना हो, ऐसे लोग धोखा देते हैं और इन पे यकीन नहीं करना चाहिए, इनसे मुआहदे नहीं करना चाहिए। जब एक दफ़ा आपको हाथ लग जाते हैं तो बार बार मुआहदे करके अपने ईमान को ख़राब नहीं करना चाहिए। और अक्सर हम फासिकों, अक्सर इनके क्या है, फासिक हैं। फासिक किस सबसे है, और इसका मतलब हुजूर का अपने पोशे से फट कर बाहर निकलना। तो अक्सर ऐसे जो हद से गुजरने वाले हैं, हद से बढ़ने वाले हैं, हदुदुल्लाह को पमाल करते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? इश्तराउ बि आयातिल्लाही, क्योंकि इन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को ख़रीद लिया है सामान क़लीला, थोड़ी कीमत के बदले, यानी थोड़ी सी कीमत के इवज, थोड़े से सुकून के हसूल के लिए, थोड़ी सी दुनिया की इज्जत पाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, मुकाम पाने के लिए इन्होंने क्या किया, अल्लाह की आयत को बेच दिया। फसद्दू अन सबीलिही, और सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने लगे, खुद भी इस्लाम ना लाए और लोगों को भी इस्लाम लाने से मना करने लगे। इन्नहुम सा अमा कानू यामलून, ये जो अमल कर रहे हैं बहुत बुरा है, दो दो डबल गुनाह करते हैं। तो एक बार अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमारे भी बहुत से काम ऐसे हैं जो हम खुद भी नहीं कर रहे होते और जब कोई करने लगता है तो उसे भी मुतनफर कर देते हैं, उसे भी मना कर देते हैं, या उसके साथ इस तरह से गुफ्तगू करते हैं कि उस इंसान को लगता है कि इस पे काम करने से या इस पे अमल करने से मेरी ज़िंदगी जो है मसीह डिस्टर्ब हो जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो इसकी वजह से हम किस किस को मुतनफर करें, खुद भी और सामने वाले को भी। एक चीज़ आपको पसंद नहीं है, उसको उसके जो मैनेजमेंट है उनको बतानी चाहिए कि उस चीज़ को ठीक करें। हर चीज़ का हल जो है छोड़ जाना नहीं होता। तब देखिए अगर आपकी कोई बात किसी दूसरे तक पहुँचे कि फलां जगह पे ऐसे है और इस तरह से हम स्टडी करते हैं, कोई खामी बताई जाती है, तो उसमें जो आना था वो भी आपके करीब, वो भी दूर रहता है। इसलिए एक तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं फसद दुआन से बीरी ही, और दूसरों के रस्तों पर वो तो फिजिकली तौर पर बैठते थे और रोकते थे
और समुराई भी उस पर शैतान वसवसे डालता था। तो ये जो भी काम वो कर रहे थे ये बुरा था, जिस भी नीयत के साथ वो कर रहे थे। ला यरकुबूना फी मुमिनीन, वो किसी भी मोमिन का लिहाज नहीं रखते। इनकी मजम्मत की दोबारा ताकीद की गई है कि इनकी इनका जो ये फेल है बहुत ख़तरनाक फेल है। वैसे भी कुछ मुफस्सरीन ने पहली आय जहाँ पे ला यरकुबूना की बात हुई तो उससे मुराद मुशरिकीन लिए हैं और इस आय से मुराद यहूद लिए हैं। ला यरकुबूना फी मुमिनीन इल्ला वला ज़िम्मतिन, कि नहीं वो लिहाज रखते किसी भी मोमन का, किसी भी करामत का। यानी इस्लाम से दूर रहने की वजह से वो अपने रिश्तेदारों को भी उनका हक नहीं देते, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। और अल्लाह की कितनी रहमत है ना कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी चीज़ें सिखा कर भेजी, बता कर भेजी कि उनके अमल के ज़रिए हमें सब कुछ पता चल गया। उनकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने सहा बर्दाश्त किया और आज हम ज़हनी तौर पर उनकी ज़िंदगी से सुकून हासिल कर सकते हैं। ला यरकुबून फी मुमिनीन इल्ला वला ज़िम्मतिन, नहीं वो किसी मोमिन का लिहाज रखते किसी कराबतदार में और ना ही किसी मुआदे का वो लिहाज रखते। ऐसा करने वाला कौन सा बंदा होता है? जो हद से बढ़ने वाला है। औलाइका हुमुल मुअतदून, और ये यही लोग हैं जो हद से बढ़ने वाले हैं, जो अपनी हदूद को कमाल करते हैं। बार बार दो चीज़ों का जिक्र आ रहा है, साथ साथ सोचते जाइए क्या हमारे अंदर तो नहीं ऐसी चीज़ें पाई जाती। वैसे बात तो ये है कि हमारे रिश्तेदार भी हमसे तंग होते हैं और हम किसी के साथ वादा करके वादा खिलाफी भी करते हैं। क्या ख्याल है, ऐसी ही बात है ना? आयात को बेचने से मुराद पता क्या है? एक तो फिज़िकली तौर पर भी बेचना, कि जैसे एक आलिम के पास गए, उन्होंने कहा कि आप ये फैसला हमारे मुताबिक कर दें, तलाक का या कोई भी मसला तो हम आपको पैसे देंगे। इस तरह से भी बेचा जा सकता है। इस आयात से मुराद ये यहूद हो सकते हैं। और दूसरा ये कि आखरत के बदले, यानी आखरत को बेच देना दुनिया के बदले, दुनिया हासिल कर लेना, दुनिया की तगोदो, दुनिया की एफर्ट, दुनिया का प्यार, ये सब जहन में रहे लेकिन आखिरत की फिक्र ना हो। आखिरत के लिए करने वाले जो अमाल हैं उनको उसने कुछ डाल दिया जाए, तो गोया कि हमने आखिरत खरीद ली दुनिया के फ़ायदे के लिए और दुनिया को बेच दिया। जैसे रिश्तेदारों में भी पसंद नहीं होता और हम सबको बताते हैं कि वो बुरा है, हालांकि हो सकता है इसका रवैया सिर्फ हमारे साथ बुरा हो, हमें समझने में गलती रहती है और हम दूसरों को भी मुतवर कर देते हैं, तो ऐसी ही बात है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को बड़े सुकून से गुजारना चाहिए, बड़ी सोच समझ के गुजारने की ज़रूरत है। हम बग़ैर सोचे समझे जो बात करने को दिल करता है, जैसी बात कहने को दिल करता है, जो दिल में आता है हम वही करते जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में कोई बैलेंस नहीं है, हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई रूल्स नहीं है। कुरान पढ़ते हैं लेकिन मोटी मोटी बातें, जैसे नमाज पढ़ ली, रोज़े रख लिए, ज़कात दे दी, हज कर लिया, जिहाद के बारे में चले वो जिहाद बिन नफ्स हम करना होता है, तो मोटी मोटी बातें जो मेन हैं उनको हम मान लेते हैं, लेकिन अंदर जो रूह है इस्लाम की, कुरान की, उसे हमने पसे पुश डाल दिया हुआ है। एक बार अपनी कम्युनिकेशन पर, लोगों के साथ हमारी डिस्कशन होती है उस पर नज़र डाल कर अगर हम देखें तो हमारी बातों के अंदर इतनी ऐसे बातें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने मुआहदों को तोड़े होते हैं और अपनी कराबतदारों का भी ख्याल नहीं रखते।
बहुत एक ऐसे मैंने आपसे कहा कि ये बात आपने आगे नहीं करनी, आप कहते हैं ठीक है ये बात किसी को बतानी चाहिए। आप किसी जगह पे बैठते हैं, वो बात आगे किसी दूसरे को बता देते हैं और साथ उसको तकीद करते हैं कि ये बात तुम्हारे पास सिर्फ इमानत है। फिर ऐसी वो बात कितने लोगों तक पहुँचती है, लेकिन सिर्फ इस तरह कह के आगे ना बताना। तो इस तरह से बहुत से मामले में फिर आपने कहा कि मैं ये काम करूँगी, वादा कर लेते हैं तो वो काम नहीं हो पाता, तो मुआहदे भी टूट रहे हैं और कराबत दारों के साथ भी हमारा सलूक जो है अच्छा नहीं। ये जो आप सद्दुआन सबील ही में बता रही हैं बिल्कुल ऐसी ही बात है। एक तो लोगों को मुतनफर, दूसरा ये कि कुरान को इतना मुश्किल बना बना कर लोगों के सामने पेश करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। कैसे कर लोगे आप, ऐसे हिफ्स को मुश्किल बना दिया गया, हालांकि बहुत इजी और बहुत सुकून वाली और रूह की गजा है, इतना खूबसूरत एहसास, लेकिन लोगों को डरा दिया गया है कि हिफ्स से जो है ना हिफ्स नहीं करना, संभालेंगे कैसे। संभालना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप अमल करें साथ साथ कोशिश करें। तो इसी तरह कुरान को मुश्किल, तफसीर को मुश्किल बना देना, ग्रामर को मुश्किल बना देना, इस सारी चीज़ों को हम खुद भी नहीं करते दूसरों के लिए भी मुश्किल बना देते हैं। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। इसलिए अपने लिए अगर कोई चीज़ मुश्किल हो तो दूसरों को कहनी चाहिए हाँ मेरी कमी है, मेरी अक्ल की कमज़ोरी है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही, अदरवाइज कुरान तो बड़ी आसान किताब है, भला कुरान जैसी इतनी सहल और आसान किताब मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो इंसान को ना अपने ऊपर लेना चाहिए, बजाय इसके कि अल्लाह के दीन को बंदा उनसे लोगों को दूर करे। समंदर में उतरेंगे तो कुरान की समझ आएगी, ऐसे तो नहीं आ सकती। तो अल्लाह ताला से स्पेशली दुआ करनी है, अल्लाह इस्तकामत और गहराई उसी को अता करते हैं जिसके अंदर इरादा होता है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के बस की बात नहीं होती, खासतौर पर कुरान के साथ। ये इरादा करें, दुआ करें, अल्लाह की रहमत साथ होती है तो फिर इंसान को इस्तकामत भी मिलती है और गहराई भी समझ भी आती है चीज़ों की। बिल्कुल, हमने रिश्तेदारों को अपनी पसंद और नापसंद के एक दायरे में कैद किया हुआ है, हम इनको आगे बढ़ने और हकीकत से आगाह होने ही नहीं देते। ऐसी ही बात है, हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमें बताओ और हम उनको बताएं, हम उनको उस लेवल तक लेके जाने, यानी ऐसा है कि हम एक ऊंची जगह पे खड़े हैं और बड़ा खूबसूरत मंजर देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं हम अकेले महजूज हों, हम वो मंजर किसी को दूसरे को ना दिखाएं, हम उनको बताएं कितना मज़ा आ रहा है, लेकिन हम उनको यहाँ तक आने ना दें। तो अपने दायरे को वसी करना चाहिए, जो खुद पसंद करते हैं वो सीख रहे, दूसरों को भी उस चीज़ का मौका देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम की एक ही बात है, किसी तरह लोग जुड़ जाए। अभी देखिए फिर मोहलत दी जा रही है, फिर कहा जा रहा है कि अगर ये लोग तौबा कर लें तो नमाज कायम करें, ज़कात दें, तो ये तुम्हारे दीनी भाई हैं, इनसे नफरत करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इख्वानुकुम फिर दीन, ये तुम्हारे दीनी भाई हैं। इससे क्या पता चलता है कि इस्लाम इतना वसी दिल रखने का हुक्म देता है। और कल भी ये हमने सीखा था कि जो लोग अपने माजी को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ सीखना चाहते हैं, तो उनके माजी को टारगेट बनाकर जज करके उनके हाल को ख़राब नहीं करना चाहिए। इसी तरह अब यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि अगर ये लोग तौबा कर लेते हैं, ईमान इनके अंदर आ जाता है, नमाज कायम करते हैं, ज़कात शुरू कर देते हैं देना, तो फिर ये क्या है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे साथ रहने वाले। ये बात पहले भी गुजर चुकी है लेकिन यहाँ पे तकीद के लिए। हाँ जी, जब कोई हमें नेकी करने का हुक्म, नेकी करने का कहता तो हम बुराई से रोकते हैं, तुम आगे से यही कहते हैं, तुम पहले करती थी ना, आप बड़ी हाजन बन गई और हमें रोक रही हो, अपनी ज़िंदगी को तो एंजॉय कर रही हो, अब हमारी दफ़ा तुम्हें तो शरीयत याद आ गई। इस तरह से हम कहते हैं,
ताकि अगला बंदा हमें कभी कुछ कहे ही ना, अगला आइंदा के बाद भी हमें बात ही नहीं कहता। उसके अंदर से जो मुबल्लिगा बनने की सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है हमारे इस एक कमेंट से। तो किसी को अच्छा फीडबैक देना है तो अच्छा दें, अच्छे कमेंट दें ताकि हौसला फजाई हो। अल्लाह जब माफ़ करके मुसलमानों का भाई बना देता है तो हमें जज नहीं करना चाहिए। मुफस्सिल आयत लिकौमी यालमून, हम खोल खोल कर बयान करते हैं उन आयात को जो हमारी हैं उस कौम के लिए जो इल्म नहीं रखते। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ना जाहिल समझते हैं, तो जाहिलों को इल्म सिखाना चाहिए बजाय इसके कि उन लोगों के ऊपर चढ़ाई करने की। क्या करें, उनके पास इल्म नहीं है तो उनको इल्म दें, उनको सिखाएं ताकि वो इल्म के बाद इस्लाम की तरफ रागिब हो सके। तो आज की आज से आपने क्या सीखा, चलें बताइए आज आप के जो आज की आयात हैं उनसे हमारे लिए सीखने को क्या है, हम उनसे क्या लर्न कर सकते हैं, हमारे लिए क्या लर्निंग पॉइंट्स हैं। आजकल तो तदब्बुर कम हो रहा है और तशरीह बाकी बातें ज़्यादा हैं क्योंकि इंफॉर्मेटिव लेक्चर है और इसमें एक पूरी स्टोरी है, तो तदब्बुर आपने खुद करना है। कल की आयात से कोई एक लेसन आपने अपनी ज़िंदगी का सीखा हो या आज के आज से कोई चीज़ बात आपको पता चली हो जो आज से आपने अमल करनी है और आपने सोचा कि ये बात तो मुझे कही जा रही है, तो आप ज़रूर बताएं जी, चैट बॉक्स में लिखिए और वो बताएं। बारे में भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, इसका मामला अल्लाह को छोड़ दें, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, हमारा काम नहीं किसी के बातिल में जाने का, ये अल्लाह के काम है और अल्लाह को सूट करते हैं, हम लोगों को सूट नहीं करते। बात बस इतनी सी है। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ترغب.